महेश मूलचंदानी, आप देख रहे हैं हमारे साथ थाने सरकार न्यूज। शहर के दर्शकों को, शहर की जनता को हम बताना चाहते हैं, आज 6 अप्रैल है और 6 अप्रैल आज लॉकडाउन का पहला दिन है। किस तरह शहर का लॉकडाउन पहला दिन गया, हम आपको पूरे शहर की जानकारी देते हैं। आप ये विजुअल देख रहे हैं, एक व्यक्ति को, एक व्यापारी को उल्लासनगढ़ 2 हनुमान गली में जिनका दुकान था, उनको उल्लासनगढ़ 2 नेहरू चौक गोवा ड्राई फ्रूट के यहाँ पर पुलिस ने काफी बहरहमी से मारा। वहाँ पर तमाम व्यापारी इकट्ठा हो गए। हम आपको पूरी जानकारी संक्षेप में देते हैं, तब तक हम आगे की आपको जानकारी देते रहे, आप हमारे साथ बने रहिए। उल्लासनगढ़ 5 में दुकानें बंद का मिला जुला असर हमें मिला। हमने देखा कई दुकानें बंद थी तो कई दुकानें आधा शटर खोल के कुछ व्यापारी बैठे थे। ऐसा लग रहा था पुलिस का खौफ उन व्यापारियों के ऊपर नहीं है। उल्लासनगढ़ 5 में पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आह्वान कर रहे थे, मगर व्यापारी आधा दुकान खोल के बैठे हुए थे। मठ मंदिर पर वाइन शॉप एक बंद था तो बस स्टॉप पर एक वाइन शॉप खुला था। ये उल्लासनगढ़ 5 का नेताजी चौक है। हमने पूरे परिसर के यहाँ पूरी तरह से विजुअल वहां पर हमने कलेक्ट किया। लगभग सब दुकानें बंद थी, मगर प्रभात टाकिस के यहाँ पर जो मार्केट था वह काफी दुकानें खुली हुई थी। और आगे आप देख रहे हैं 2 पुलिस के कांस्टेबल आराम से गाड़ी पर बैठे हुए हैं। ना ही उन दुकानदारों को दुकान बंद करने के लिए कहा गया। इस तरह लग रहा था कि वहां पर भी मिला जुला असर रहा, काफी दुकानें खुली थी तो काफी दुकानें बंद थी। आप ये नेताजी चौक का दृश्य देख रहे हैं, वहां पर मॉडर्न वाइन्स है, वह दुकान बंद है। और हमने कई आपको विजुअल दिखाए जिसमें कई वाइन शॉप की दुकानें खुली हुई है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये उल्लासनगढ़ 4 का विजुअल है। यहाँ पर दोनों साइड से पूरी तरह दुकानें हमें बंद मिली। ऐसा लग रहा था कि यहाँ के व्यापारी पुलिस डिपार्टमेंट और प्रशासन को पूरी तरह से लॉकडाउन में सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम हीरा घाट परिसर पहुंचे जहाँ पर भेग बाजार है, वहां पर भी दोनों साइड से तमाम दुकानें वहां पर बंद मिली। इक्का दुक्का दुकान हमें खुली मिली, ज्यादातर दुकानें वहां पर बंद लगी और लॉकडाउन का लोग वहां पर पालन कर रहे थे, ऐसा हमें दिख रहा था। उसके बाद आगे हीरा घाट परिसर के यहां पर भी तमाम दुकानें सारी बंद मिली। उसके बाद हम आगे पहुंचे जहां पर इलेक्ट्रॉनिक बाजार है जो उल्लासनगढ़ 3 मेन मुख्य रास्ते पर स्थित है। हम वहां पर भी पहुंचे, वहां पर भी हमने देखा सारी दुकानें वहां पर हमें बंद मिली, कोई भी दुकान वहां पर खुली नहीं थी। पुलिस का कड़ा बंदोबस्त था और वहां पर पुलिस 2 बार आके वहां पर राउंड मार के वहां के व्यापारियों को वहां पर जमावड़ा नहीं करने के लिए कह रही थी। ये आप विजुअल देख रहे हैं, पूरी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो पूरी तरह से बंद रखी गई है। उसके बाद हम फर्नीचर बाजार के रास्ते से नेहरू चौक पहुंचने वाले थे। फर्नीचर बाजार की तमाम सारी दुकानें हमें वहां पर बंद मिली, सब दुकानें एक साथ बंद हमें नजर आई। ऐसा लग रहा था वहां पर भी आदेशों का पालन हो रहा था। उसके बाद हम नेहरू चौक पर पहुंचे। क्या है नेहरू चौक का, वहां का दृश्य किस प्रकार का वहां पर बंदोबस्त रखा गया था, हम आपको आगे दिखाते हैं। उसके बाद हम नेहरू चौक पर पहुंचे, वहां पर हमें पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त नजर आया। वहां पर भी सारी दुकानें बंद थी। उसके बाद नेहरू चौक परिसर के यहाँ पर हमें उल्लासनगढ़ 1 पुलिस चौकी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कदम साहब मिले। हमने कदम साहब से पूछा कि व्यापारियों को किस तरह बहरहमी से मारा गया है, उसके बारे में आप जवाब दें। तो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कदम साहब ने कहा कि हमने व्यापारियों को नहीं मारा। हमने कहा कि व्यापारी सारे पुलिस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, जिस तरह आतंकवादियों को मारा जाता है इस प्रकार से पुलिस ने उन व्यापारियों को मारा है। तो अब पूरी जानकारी आपको हम विस्तार से बताते हैं, हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बता रहे हैं कि ये उल्लासनगढ़ 2 हनुमान गली के व्यापारी है, इनकी किस प्रकार से पुलिस से तू तू मैं हो गई, उसके बाद किस प्रकार से बात लाठी तक पहुंच गई और एक व्यापारी को बुरी तरह पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने घायल किया। आप सुनिए ये व्यापारी पुलिस डिपार्टमेंट से क्या बात करते हैं और उसके बाद क्या होता है और व्यापारियों को क्या है कहना, हमारे साथ बने रहिए। क्योंकि हमारा रोजी रोटी बंद हो रहा है, इसके लिए हम आपसे सहकार मांग रहे हैं। आपके भी बाल बच्चे हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमको सहकार दुकान चालू करने के लिए। तो हमें कुछ नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, हाथ में सिर्फ बंद करना, हमको ऑर्डर फॉलो करना बराबर है। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप ऊपर रिक्वेस्ट कीजिए, हम
हमने किया, समझौता किया, लेकिन हमको जो नीचे दिया अभी जो ऑर्डर चेंज हुआ तो आप राइट है अपनी जगह पे, लेकिन हम लोग दुकानदार हैं तो अपने जगह पे राइट है ना। आप वो देखो क्या है, हाँ हमको भी बंद करने का ऑर्डर है, हम बंद करेंगे। आप राइट है, लेकिन हम लोग का भी तो सोच आप लोग आपका जो है ना, हाँ जो भी है, हाँ इतने लोग जमा करके रखे आपने, हाँ आपके काम है नहीं, आप राइट है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे सर। नहीं 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 आपका बात बराबर है, लेकिन अगले साल हमने भुगतान भोगा है, हमारे बच्चे रोड पे भूखा मर रहे हैं तो कौन उनको खाना खिलाएगा? मैं आपसे पूछता हूँ, आज मंगलवार है, सबको राशन वाली भरा जाए, आज हम दुकान बराबर है, लेकिन कारीगर धनी के बाप पैसा लेने आया तो जनते हैं हम लोग, लेकिन उन लोग ने तीन जन को दूसरे को फोन करके पांचों जन को मंगा के डंडे निकाल के हम व्यापारियों को एक एक को डंडा मारा है, मेरे को भी इधर डंडा मारा है, और हमारे व्यापारी को एक को खूना खून कर दिया है, उसको अभी सिटी स्क्रीन के लिए निकालने के लिए गए, भगवान करे उसको कुछ नहीं हो, तकलीफ नहीं हो। ये पुलिस हमारे पर बहुत जुल्म कर रही है, नहीं हमको लेटर आया है, नहीं किसी का आश्वासन आया है, नहीं कोई सिस्टम से लीगल वाइज काम हुआ है, अचानक से रात को 8 बजे डिक्लेयर करते हैं, पहले 8 बजे हमको दुकान बंद करने का है, उसके बाद में सवेरे बोलते हैं भाई दुकान नहीं खोलने का, तो हम व्यापारी किधर जावे? हम दुकानदार है, कैसे हम लोग चले, कैसे किसी को हम लोग पगार देवे, कैसा हम लोग दुकान का भाड़ा भरे? तो हमने रिक्वेस्ट किया पुलिस से, भाई हमारे को आप फेंकार दो, तो हमारे को बोलती है चलो हमारे सीनियर से बात करो, जैसे अपने सीनियर के पास लेके चले रस्ते थे, हमारे को डंडे से हमला किया, ऐसा हमारे पे हमला किया कि हमारे को नानी याद करा दिया है। ये पुलिस की गलत बात है, फटाका बाजार में, फटाका बाजार में जितने व्यापारी थे हम लोग 100 से 150 व्यापारी थे, के जिसको मारा गया उसका नाम क्या है? रमेश भाई, बाकी सबको डंडे लगे हैं, मेरे को भी पैर पे डंडा लगा है, और सब जन को डंडा लगा है, किसको किधर लगा है, लेकिन एक को खुना खून हो गया। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये आश्वासन गलत है, ये उपयोग जो है गलत उपयोग कर रहे हैं, कोई भी बात हो सिस्टम से हो लीगल वे से हो, हमारे को लेटर दिया जाए कि 4 दिन पहला ही बताया जाए कि दुकान बंद होने वाले, तो हम अपना सिस्टम से काम करें ना कोई भी। हमारे व्यापारियों को कुछ भी बताया नहीं गया था, नगर सेवक शहर के तरफ से हमारे को कोई भी संदेशा नहीं आया था, इसके लिए हमारे को समझ में नहीं आ रहा है हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। अचानक से 4 दिन पहला कुछ भी सुझाव दिया होता तो हम लोग कुछ ना कुछ। तो आप शहर के नेताओं को क्या कहना चाहेंगे कि उनका फर्ज क्या था? उनका फर्ज है पहले हमारे को सुझाव देना और सब न्यूज चैनल पे बात बोलना टोटली, भाई ऐसी ऐसी बात है, ये तारीख से लॉकडाउन होएगा, तो जो व्यापारी को छोटा मोटा काम है काम निपटा के अपना सिस्टम से दुकान बंद रखते थे। एक नंबर पुलिस की तरफ से, और वो सेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई व्यापारी को मारा नहीं, हमने आह्वान किया, नम्र आह्वान किया है, और आह्वान करके व्यापारी लोगों ने हमें अच्छा सहयोग किया है। सर आज सेंट हॉस्पिटल में 50 नहीं नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, हमने व्यापारी को आह्वान किया है, पुलिस लोगों ने आह्वान करके ही व्यापारी का आह्वान किया है, और व्यापारी लोग हमको अच्छे से सहयोग कर रहे हैं। मतलब किसी भी व्यापारी को पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं 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 कुछ नहीं। ओके ओके।